रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महका राजेंद्र पार्क। फ्लावर शो के इस आयोजन में जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां शहर विधायक ने फीता काट कर स्टॉल का निरीक्षण भी किया। दुर्ग नगर पालिक निगम द्वारा आयोजित 5वें भव्य फ्लावर शो का आयोजन दुर्ग के राजेंद्र पार्क में रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें रंग बिरंगे फूलों की लगे स्टॉल को शहर के लोगों ने खूब सराहा। इस दौरान कार्यक्रम में शहर विधायक गजेंद्र यादव ने फीता काटकर फ्लावर शो का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में लगे स्टॉल का निरीक्षण कर वहां पर मौजूद लोगों की हौसला अफजाई की। चलो एक मिनट पीछे ना, अभिनंदन है आपकी का नगर पालिका निगम द्वारा, मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। बड़े ही शानदार के साथ नगर पालिका निगम दुर्ग के फ्लावर शो का आयोजन आप सभी के लिए किया गया है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये फ्लावर शो आप सभी का है। श्री लोकेश चंद्राकर जी, माननीय विधायक जी को, माननीय आर्यवर्मा जी को, माननीय सभापति राजेश यादव जी, पूरे तरीके से की जाती है। फूल प्रेमी बताता निरंतर वही तो बात कर रही है। और हर साल गौरतलब है कि दुर्ग निगम के पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित इस 5वें फ्लावर शो में शहर के लोगों को सुखद अनुभव कराने पार्क के भीतर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाकर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान राजेंद्र पार्क में आयोजित फ्लावर शो में स्कूली बच्चों द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी में हिस्सा लेकर कैनवास पर प्रकृति की रूपरेखा उकेरी गयी। वही नगर निगम दुर्ग के इस भव्य फ्लावर शो में उपस्थित शहर विधायक गजेंद्र यादव ने स्टॉल पर सजे फूलों को निहारा और उनकी खूबसूरती को सराहा। इस दौरान उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया भी दी। तो एक लोगों में एक उत्साह का केंद्र बनता है, बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में सारे फूल फल पल्लवित होते हैं, मन भी प्रफुल्लित रहता है। ऐसे समय में प्रकृति का नज़ारा अगर छोटे रूप में ही सही आप गार्डन में जाकर देखेंगे तो एक मन में बहुत आनंद का उत्साह होता है। फ्लावर शो उसी का एक प्रतीक है और अभी तो ये लोग प्रतीकात्मक रखे हैं, अगले बार हम चाहेंगे थोड़ा बड़े रूप में इस कार्यक्रम करेंगे। विगत 4 वर्षों से यहाँ पर फ्लावर शो बहुत अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। ये आखिरी 5वां वर्ष है नगर निगम का, नगर निगम के माध्यम से फ्लावर शो रखा गया है और यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि है आज यहाँ पर जो है अयोध्या का मंदिर को स्थापित किया गया है। ये लोगों में जानकारी रहे कि जिस तरह पूरा भारतवर्ष में अयोध्या के राम को स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर बताया गया कि फ्लावर शो के साथ साथ हम लोगों को राम का जीवन भी व्यतीत करना है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उनके दिखाए हुए रास्तों पर हम सबको अनुसरण करना चाहिए। और फ्लावर शो में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस तरह की जो गतिविधियां हैं सबको लेकर चलने वाली गतिविधियां हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी पार्टी का है, हर पार्टी के लोग यहाँ पर समाहित होते हैं, हर धर्म के लोग समाहित हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहें और इससे और अधिक बृहद रूप में और अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि फ्लावर शो जो होता है उसमें लोग बड़े मतलब आनंदित होते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम एक शहर में हो रहा है और ये पहली बार दुर्ग शहर में इतने वर्षों में पहली बार ये 5 वर्षों में हुआ है। और हम धन्यवाद देंगे नगर निगम को, प्रभारी मैडम को, जिन्होंने ये कार्यक्रम, उनको उद्यान प्रभारी बनाया गया तो उन्होंने इस तरह के विचार रखे और ये विचार ही हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए। एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।